सो वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। फायरबोल्ट की अपोलो आ चुकी है मेरे पास और यहाँ पे इस तरीके से लुक मिलता है। डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है और यहाँ पे दो बटन्स मिल जाती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे फायरबोल्ट की एक और वॉच थी पहले जो फायरबोल्ट की थी आइटम, उस तरीके से ही सेम मिलता है इसमें भी आपको। और दो बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे, एक मेन्यू पे जाने के लिए और एक आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए। ठीक है, तो बॉक्स कंटेंट की बात करें, यहाँ पे बॉक्स कंटेंट आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर बैंड मिल जाती है और यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है, दैट्स इट। तो गाइस इसको रखते हैं साइड में और हम आते हैं अपनी वॉच की तरफ। ये रही वॉच इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप्स की, स्ट्रैप की क्वालिटी सेम आपको देखने को मिलती है जो फायरबोल्ट की मैक्सिमम वॉचेस होती है, बट स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी बेटर है इसकी। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप लग रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका जो है ये पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड लग रहा है मेरे को। वैसे तो वेट से पता चल जाएगा, यहाँ पे वेट कर लेते हैं कैसे क्या मिलता है। यहाँ पे वेट यहाँ पे इस तरीके से 0, ठीक है, 41 ग्राम्स का है, 40 ग्राम्स की। ठीक है, यहाँ पे 1.43 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आती है। यस गाइस, आपने इसे सुना, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये रहे वॉच फेसेस, यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस मिल जाते हैं देखने के लिए, इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, और 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, ऊपर की साइड से उठा हुआ देख सकते हो, और साइड व्यूइंग एंगल भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें आपको। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट वीडियो में इसके परफेक्ट है बट थिन रिस्ट पे ये बड़ी लगेगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, थिन रिस्ट पे बड़ी लगेगी बट लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट वॉच है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर तो है ही है जैसे मैंने आपको बता दिया। अब गाइस यहाँ पे सारी चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बूट तो हमने कर ही लिया था, वैसे भी यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, मतलब टॉगल मेन्यू में ही। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वाटर लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है, और सेटिंग ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में आप चलते हैं यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता, वो चेक करते हैं। अलार्म इन द वॉच इटसेल्फ आप नहीं लगा सकते, और साथ में टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन क्लॉक, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल या एनालॉग आप लगा सकते हो, और फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, फोन जो क्राइटेरिया वो ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो एज अ ऑफ कर दोगे तो एज अ फिटनेस वॉच की तरह यूज होगी ये वॉच। ठीक है, रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। और उसी के साथ साथ थिएटर मोड मिल जाता है, रीसेट है, पावर ऑफ है। अभी ये फिलहाल जो आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट पे 299 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, बहुत ही अच्छा प्राइस ब्रैकेट है गाइस, जिस प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है, मतलब बहुत ही तगड़ा प्राइस ब्रैकेट है। इस प्राइस ब्रैकेट में आप इसको सीधे ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से अगर आप चैनल को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब इस तरीके की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ को एंजॉय करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग रील डालते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर साइड से बटन से आपका ये मेन्यू पे जाता है, मतलब बैक करता है और यहाँ पे ऑफ हो जाता है, और नीचे की साइड से बटन टैप करते हैं आपका स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं, 118 स्पोर्ट्स मिल जाते हैं देखने के लिए, और 466 पिक्सल्स की यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो देखने को मिलता है इसमें वॉच में। तो तगड़ी मतलब आपकी जो क्वालिटी आती है, इमेज क्वालिटी बहुत ही बेटर आती है। ठीक है, एप्लीकेशन से पेयर करते हैं और देखते हैं और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस वॉच में इटसेल्फ। तो गाइस यहाँ पे पेयर हो चुकी है और यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फेस गैलरी चेक करा देता हूँ, यहाँ पे टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे ग्लाइडेटर के तरह सिर्फ आपको 20-30 दे दिए हैं, वो अच्छी बात है, यहाँ पे ज़्यादा वॉच फेस मिलते हैं आपको। बट अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा के देखते हैं, यहाँ पे वैसे 9 वॉच फेस मिल जाते हैं इन द वॉच इटसेल्फ। ठीक है, लास्ट पिक को आप चेंज कर सकते हो अपनी पिक में ऐसा वॉच फेस लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक पिक को मैं चूज़ करता हूँ गैलरी में से और इसको हम लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाली, और इसको हम डन करते हैं, और यहाँ पे फेस पे आ रहा है, इसको टाइम को हम नीचे कर देते हैं और यहाँ पे डन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपने पिक को ऐसा वॉचेस लगाने के बाद बहुत ही कमाल की लग रही है, यहाँ पे पिक्सल साइज बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक रहता है, बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू पे काम नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी चलते हैं, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन इन द वॉच इटसेल्फ आ जाते हैं, हिंदी फोन भी सपोर्ट करती है वॉच, ये भी अच्छी बात है। अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो बट सिर्फ वाइब्रेट ही करती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ शटर बटन का ऑप्शन मिल जाता है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स अप टू 8 कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर सकते हो इसमें वॉच में इटसेल्फ। और अदर्स में चलते हैं, यहाँ पे अदर्स में मेन चीज मिलती है, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ टाइम फॉर्मेट
है यहाँ पे क्विक व्यू, मतलब रेस टू वेक है बेसिकली, क्विक व्यू को रेस टू वेक भी कहते हैं हम। और यहाँ पे ये मेन्यू मिल जाता है, मेन्यू तो हमने चेक नहीं किया, चेक कर लेंगे अभी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वेदर अपडेट्स आ चुका होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एप्लीकेशन में। और इसी के साथ साथ अब गाइस यहाँ पे मेन चीज़ चेक कर लेते हैं, वो है हमारा जो मेन्यू है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं इधर की साइड से, यहाँ पे सारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस तरीके से। और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, इधर की साइड नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इधर की साइड आप करते हो तो ये रहा कॉल 198, तो इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे। लाउडनेस भी अच्छी है और यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो, बहुत जल्दी थी बंद हो रही डिस्प्ले, आई नो। यहाँ पे मैंने जो कम कर रखा है एक्चुअली, काफ़ी लाउड भी है और हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करता है प्रॉपरली, ठीक है। ट्रांसफर भी कर सकते हो इस तरीके से, मिल जाता है आपको। लाउडनेस मैंने आपको दिखाई दी इसकी, ठीक है। और अदर फीचर्स की चेक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे गेम्स भी मिल जाते हैं इसमें। और गाइज अगेन वो पुराने वर्जन की तरह इसमें भी आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो कैलकुलेटर का ऑप्शन देना चाहिए था कंपनी को, वो नहीं दिया इसके अंदर। दो गेम्स बेसिकली मिल जाते हैं आपको, और हार्ट रेट, स्पीड वाला मॉनिटर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। उड़ दो एयर चेक कर लेते हैं एक बार, एयर पर तो नहीं बताती दोनों में से कोई सी वॉच। उड़ दो एयर चेक कर लेते हैं एक बार, एयर पर तो नहीं बता रही है। और SPO2 लेवल मॉनिटर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा। वाइब्रेट होती है यहाँ पे, ये अच्छी बात है, तो नहीं बता रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे काम करते हैं, ओवर द हैंड्स पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच के। बट उससे पहले हम स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वो हमने चेक नहीं किया, ये रहा। तो गैस यहाँ पे हम एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं किस तरीके से कैसे एक्यूरेसी मिलती है। तो गैस 50 स्टेप चलने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 61 दिखा रहे हैं स्टेप्स, तो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बट ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब गैस यहाँ पे ओवर द हैंड्स तो पहन ही रखा मैंने, यहाँ पे ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहन लिया है, और यहाँ पे राइट साइड में वो करते हैं, और ये रहा हार्ट रेट, यहाँ पे आ चुका है 98 स्पीड दिखा रहा है, 79 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कर रहा है स्कैन, 80 दिखा रहा है यहाँ पे हार्ट रेट, और क्लोज टू एक्यूरेट ही है यहाँ पे, देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे SPO2 चेक करते हैं, SPO2 हमारा 97 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी आपका ठीक है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता SPO2 को, आप मतलब वॉच से चेक करें, ऑक्सीमीटर से ही आपको चेक करना चाहिए। देखिएगा सिंपल सी बात है, 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में एक बहुत अच्छी लूट डील बन जाती है, क्योंकि आपको अगर इससे लोअर वर्जन की बात करूँ एटम की, तो एटम आपको देखने को मिल रहा है कितने का, 3700-3500 ऐसे प्राइस में मिलता है। बट ये जो है ना अपोलो, एक तो बड़ी डिस्प्ले के साथ आती है, लास्ट मीडियम डिस्ट के लिए परफेक्ट है, 1.43 इंच के डिस्प्ले के साथ आती है, और कैसे आपके थिनेस्ट पे भी चल सकती है, मतलब स्किनेस्ट पे नहीं चलेगी बट थिनेस्ट पे चल सकती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो मिल जाता है आपको, और कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, लाउडनेस भी अच्छी मिलती है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ हमने चेक नहीं की थी, वो है हमारा ऑडियो प्रोफाइल, वो चेक कर लेते हैं लास्टली तो बेटर रहेगा, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करने के बाद कॉलिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, अगर नहीं लगेगी तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल आपका है ऑडियो BSW, इसको हम यहाँ पे देख सकते हो, इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ, मीडिया ऑडियो, यहाँ पे मीडिया ऑडियो मैंने ऑफ कर दिया, अब देखते हैं यहाँ पे कॉल लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मीडिया ऑडियो ऑफ करने के बाद कॉल नहीं लगती है, और ये इसमें फ्लॉ है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं पहले वाली वॉच में भी था फायरबोल्ट की, बट ये रिजॉल्व करना चाहिए कंपनी को। तो गाइस ये था एक डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग फायरबोल्ट की, जो आपकी अपोलो है। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।